नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 8T versus Vivo X60 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो OnePlus 8T में 6.33 इंच जबकि Vivo X60 में 6.28 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि OnePlus 8T से कम है। विड्थ की बात करें तो OnePlus 8T में 2.92 इंच जबकि Vivo X60 में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो OnePlus 8T में 0.33 इंच जबकि Vivo X60 में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो OnePlus 8T में 188 ग्राम जबकि Vivo X60 में 176 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो OnePlus 8T में फ्लूइड AMOLED जबकि Vivo X60 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही OnePlus 8T में 20:9 जबकि Vivo X60 में 19:8:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो OnePlus 8T में 6.55 इंचेस जबकि Vivo X60 में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन OnePlus 8T में 1080x2400 और Vivo X60 में 1080x2376 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो OnePlus 8T में 86.98% जबकि Vivo X60 में 86.8% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो OnePlus 8T में 402 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo X60 में 398 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो OnePlus 8T में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo X60 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो OnePlus 8T में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo X60 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो OnePlus 8T में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Vivo X60 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 650 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो OnePlus 8T में Qualcomm Snapdragon 865 और Vivo X60 में Qualcomm Snapdragon 870 मिलता है। बात करें रैम की तो OnePlus 8T में 12 GB जबकि Vivo X60 में 8 GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो OnePlus 8T में 256 GB जबकि Vivo X60 में 128 GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो OnePlus 8T में Android V10 क्यू जबकि Vivo X60 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी OnePlus 8T में 4500 mAh जबकि Vivo X60 में 4300 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो OnePlus 8T की 41,999 रुपीस जबकि Vivo X60 की 37,980 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो वन प्लस एट टी में 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो X60 की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में वन प्लस एट टी आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में वीवो X60 आगे है। परफॉर्मेंस में वीवो X60 आगे है। इंटरनल मेमोरी में वन प्लस एट टी आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वन प्लस एट टी है जो कि 38,999 रुपए में मिलता है। दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S20 Fe है जो कि 37,990 रुपए में मिलता है। तीसरा वन प्लस 9 है जो कि 49,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वन प्लस 9R है जो कि 43,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।